Hello, good day everyone. This is Neel Sahib Ahmed. Welcome to our channel Geoscience Academy STS. आज हम आपके लिए इस चैनल पे स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान स्कॉलरशिप है। इसमें इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे कौन कौन तलबा एलिजिबल हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। स्टार्टिंग से एंड तक आपको फॉर्म फिल करना भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। बैठे आपको ये शो हो रही होगी, इसमें लिखा है कि 6, 7, 8 और 9 क्लास के तलबा इस स्कॉलरशिप के लिए एल हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है। एलियत स्कूल के इस सतह पर क्लास 5, 6, 7 और 8 पास या जेर तालीम तलबा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप प्राइवेट और पब्लिक और सरकारी स्कूल्स के तमाम अहल तलबा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन और फिर मेरिट पे होगा। तलबा को से टेस्ट और इंटरव्यूज के मरहले से गुजारा जाएगा। तहरीरी इम्तिहान फेडरल बोर्ड ऑक्सफोर्ड के सिलेबस से होगा। डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 25 मार्क्स का जो कंबाइनली अंग्रेजी उर्दू रियाजी और साइंस से होगा। इसके टोटल 100 मार्क्स होंगे। हम इसके टेस्ट सेंटर जान लेते हैं कि टेस्ट सेंटर कौन से होंगे। टेस्ट सेंटर है 70 खैरपुर घोटली लाड़कानों शिकारपुर शेदाकोट शहीद पे नज़ीराबाद नौशरो फिरोज मीरपुर खास उमरकोट मिट्टी हैदराबाद। और इसके अप्लाई का प्रोसीजर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तरीक़ेकार दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार जो एडमिशन फॉर्म और बैंक तफसीलात AQT कैंपस से डाउनलोड किए जा सकते हैं, जो वेबसाइट मेंशन है। एडमिट टेस्ट फीस मबलग 750 होगी, जो बैंक अलफला HBL UPL NBP बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन जमा करवा कर असल रसीद एडमिशन फॉर्म के साथ दिए गए एड्रेस पे अरसाल कर सकते हैं। नोट दिया गया है कि इदारा तालीमी सरगर्मियों पे आने वाले तमाम अखराजात एडमिशन फीस माना फीस रजिस्ट्रेशन फीस सालाना फीस खुद बर्दाश्त करेगा। जो सिलेक्टेड तलबा होंगे सिलेक्ट होंगे मुंतखब तलबा को जो बुक्स वगैरह हैं वो भी इदारा ही देगा। बाकी जो हॉस्टल सर्विसेज के अखराजात हैं वो वालदेन को बर्दाश्त करना होंगे। जो एड्रेस दिया गया है जिस पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और उसकी बैंक रिसिप्ट भेज सकते हैं, एड्रेस कोरंग टाउन एक्सटेंशन नज PWD हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद। मज़ीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पे भी कॉल करके हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम देख लेते हैं वेबसाइट पे जाके के ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं और फॉर्म वगैरह फिल करना भी सीखेंगे। तो हम गूगल में जाएंगे, इधर लिखेंगे AQ की कैंपस। तो आपके सामने ये वेबसाइट अपीयर हो जाएगी www.aqpcampus.com। तो इसको फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है इसको हम ओपन कर लेंगे।
इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो पहले तलबा अचीवमेंट कर चुके हैं ये स्कॉलरशिप, उनके नेम शो हो रहे हैं। तो इधर हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, जैसे गाइडलाइन है गिलगित पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए। टेस्ट गाइडलाइन से हम सिंध के लिए देखते हैं टेस्ट गाइडलाइन, तो क्या गाइडलाइन है सिंध के लिए। इसमें जो सिंध के लिए गाइडलाइन है, टेस्ट गाइडलाइन, क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 9th क्लास, 8th, 9th या सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड या ऑक्सफोर्ड, ये सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपका सिलेबस क्या होगा जिस क्लास में भी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 6th के लिए अप्लाई किया है, तो हम 6th का सिलेबस ओपन करेंगे, दोनों मौजूद हैं। आप जिस सिलेबस टिक करना होगा आपको फॉर्म में, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड या ऑक्सफोर्ड, तो वो सिलेबस जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आप इधर से गाइडलाइन उसकी ले सकते हैं। हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस ओपन कर लेते हैं कि उनका सिलेबस क्या होगा 6th क्लास के लिए। तो इसलिए इधर लिखा हुआ है कि एंट्री टेस्ट पास पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। टेस्ट जो होगा आपका 100 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा, 100 MCQs होंगे। जो भी स्टूडेंट 50 मार्क्स लेगा वो क्वालिफाई करेगा। जो टोटल मार्क्स होंगे 100 होंगे, मैथ्स 25, साइंस 25, इंग्लिश 25 और उर्दू 25, तो ये सारे कम्बाइनली होके 100 मार्क्स बनते हैं। और इधर जो ये हम नोटिफाई कर सकते हैं कि देयर विल बी सेपरेट पेपर फॉर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड ऑक्सफोर्ड सिलेबस, के पेपर अलग होगा, ऑक्सफोर्ड सिलेबस का अलग पेपर होगा। आप फॉर्म में आगे चल के हम आपको बताएंगे कि ये कैसे अलग होगा, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड और ऑक्सफोर्ड सिलेबस का पेपर अलग अलग लिया जाएगा। तो आप जो भी चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक वो सिलेबस सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट विच विल सिलेक्ट देयर सिलेबस ऑन एडमिशन फॉर्म एज STBB सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड प्रिपेयर द एंट्री टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग बुक्स ऑफ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। ये बुक्स दिए गए हैं, वेबसाइट विजिट कर करके देख सकते हैं ये बुक्स, जो आपको सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के बुक्स हैं, इनसे आप प्रिपरेशन टेस्ट के लिए कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना होगा। सिंध का ओपन कर लेते हैं एडमिशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम ये फिल करेंगे, और उसके बाद जो एड्रेस बताई गई है वो उस पे हम विथ बैंक रिसिप्ट हम एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर देंगे। उसके बाद आप डेली बेसिस पे वेबसाइट चेक करते रहा करें, जैसे आपके टेस्ट वगैरह का पता चल सके। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इधर हम पेस्ट योर वन रीसेंट फोटो हैविंग ब्लू बैकग्राउंड, जो ब्लू बैकग्राउंड में कोई भी आपकी पासपोर्ट साइज देखो, ये वक्त ये आप लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रिंट करवाना होगा, एंड डिटेल में आपको फिल करना होगा ये फॉर्म। तो उसके बाद जो बैंक कोड, जहाँ भी
फॉर एग्जाम्पल एन बी पी एच पी एल बैंक अल्फला या यू बी एल कहीं भी सबमिट करवाते हैं तो ब्रांच कोड होता है, एक मखसूस ब्रांच कोड होता है हर बैंक ब्रांचेस का। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एन बी पी 0071, तो जस्ट कोड लिखेंगे वो आप बैंक वालों से पूछ सकते हैं कि ब्रांच कोड क्या है। डिपॉजिट डेट, जब आप ये डिपॉजिट कराएंगे फी, और एडमिशन फॉर क्लास, अगर आप पाँचवीं में है तो छठी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिक्स में है तो सेवन्थ के लिए, सेवन में एट में तो नाइन्थ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल कहाँ का है, यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल लिखना पड़ेगा, जो आपके फादर कहाँ का है, और डिजायर्ड सिटी सक्खर शिकारपुर गोट की, जहाँ भी आप रहते हैं नियर बाय, जो भी आपको टेस्ट सेंटर लगे कि ये मुझे नज़दीक है तो वो आपको टिक करना होगा। इधर पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज कैपिटल लेटर्स एंड हैव स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स, तो हम जो फॉर्म फिल करेंगे ये सारा कैपिटल वर्ड्स में फिल करेंगे और स्पेस भी छोड़ेंगे बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है तो। फादर नेम लिखेंगे, अपना नाम, फादर नेम सी एन आई सी, फादर का लिखेंगे जो भी आपके गार्डन हैं फादर हैं तो उनका सी एन आई सी लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ, ईयर, टोटल एज आपकी कितनी होती है इधर आप लिखेंगे। रिलीजन इस्लाम, आपके वालिद साहब क्या करते हैं। पोस्टल एड्रेस, जहाँ भी आपका पता है जहाँ आप रहते हैं परमानेंटली वो आप लिखेंगे। सिटी आपकी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स मोबाइल नंबर, अगर आपके पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो पेरेंट्स का दे सकते हैं। ये ऑर्फन के लिए है जो यतीम बच्चे, तो यस नो आप नो करेंगे। आर यू डिजेबल पर्सन, तो आपको खुदा ना खास्ता कोई भी डिजेबिलिटी है तो आप यस नो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे, अगर है तो यस लिखेंगे। और हम स्कूल कैटेगरीज में आएंगे तो हम उसमें टिक करेंगे प्राइवेट है स्कूल, गवर्नमेंट है, या सेफ का सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सपोर्टेड स्कूल है जहां आप ज़ेर तालीम हैं तो उस स्कूल की कैटेगरी लिखेंगे। जहां आप पढ़ सकते हैं स्कूल का कंप्लीट नाम लिखेंगे, स्कूल की एड्रेस लिखेंगे, और लास्ट में जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि सिलेबस जो हमने एड में पढ़ा के अलग अलग सिलेबस से आएंगे आपके पेपर, अगर ऑक्सफोर्ड सिलेक्ट करेंगे तो ऑक्सफोर्ड सिलेबस से ही आपका पेपर आएगा, अगर सिंथ टेक्स बुक बोर्ड सिलेक्ट करेंगे तो सिंथ टेक्स बुक बोर्ड के सिलेबस से ही आपका पेपर आएगा। फिर जो भी आप सिलेक्ट करें उसी के हिसाब से, उसी सिलेबस से आपको तैयारी करनी होगी टेस्ट के लिए। और इसमें इधर भी आपका नेम आ जाएगा, और सन ऑफ और डॉटर ऑफ कुछ भी, तो आप अपने फादर नेम लिख लेंगे और डेट, और इधर आप सिग्नेचर करेंगे। और सेकंड पेज जब आपकी इधर लगेगी वो भी आप इधर लगाएंगे। अंडरटेकिंग है, इसमें आपके फादर नेम और इधर आपका नाम, जो आपका फादर है गार्डन से वो
उनकी सिग्नेचर होगी, डेट होगी कि कब आपने फॉर्म भरा है। और इंस्ट्रक्शन है कुछ, ये पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो इंस्ट्रक्शन है, प्लीज फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली विथ कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। मतलब कि आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे प्रॉपर उसको और कंप्लीट फिल करें और सही इंफॉर्मेशन हो, आपकी कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना हो। प्लीज डोंट लीव एनी फील्ड ब्लैंक, अदरवाइज योर एप्लीकेशन मे नॉट बी कंसीडर। प्लीज डोंट लीव एनी फील्ड ब्लैंक, अदरवाइज योर एप्लीकेशन मे नॉट बी कंसीडर। आपको कोई भी बॉक्सेस वगैरह लीव ब्लैंक नहीं छोड़ना, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। इनकरेक्ट आर फॉल्स इंफॉर्मेशन मे रिजल्ट इन कंसीलेशन ऑफ योर कैंडिडेचर एट एनी स्टेज इवन अदर आफ्टर एडमिशन आल्सो प्रोसीडिंग ऑफ लीगल एक्शन। अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत होती है, आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आपको फॉर्म कैंसिल किया जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अटैच योर टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, तो हम दो रिसेंट फोटोग्राफ इसमें अटैच करेंगे ब्लू बैकग्राउंड के साथ। कॉपी ऑफ फादर CNIC बैंक डिपॉजिट स्लिप, कॉलेज कॉपी, स्कूल कॉपी, तो नो नीड ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, स्कूल लीविंग डोमिसाइल ETC टिल टेस्ट इंटरव्यू क्लियरेंस। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं, दो पिक्स आपकी फादर की CNIC बैंक डिपॉजिट स्लिप, कॉलेज कॉपी, मतलब के बैंक डिपॉजिट स्लिप जो आपको मिलेगी ना उसमें लिखा होगा कि कॉलेज कॉपी, तो वो आप इनको भेजेंगे। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस वक्त आप नहीं भेजेंगे इनके अलावा, जैसे डोमिसाइल, स्कूल लीविंग या अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो नहीं भेजेंगे जब तक इंटरव्यू टेस्ट क्लियर ना हो। एप्लीकेशन फी सर्विस चार्जेस इज नॉट रिफंडेबल नॉन ट्रांसफरेबल टू अदर कैटेगरी। मतलब कि जो आपने फीस डिपॉजिट कर दी बाद वो नॉन रिफंडेबल होगी, वापस कभी भी नहीं होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहे मैंने इस कैटेगरी के लिए फीस फिल की है, अब कैटेगरी चेंज करना चाहता हूँ, जैसे ऑक्सफोर्ड सिलेक्ट कर लिया तो अब सिंटेक्स बुक बोर्ड करना चाहता हूँ इसी फीस में, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फॉर टेस्ट सिलेबस गाइडलाइन विजिट AQKeyCampus.com। तो ये हम विजिट कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट रोल नंबर सिलेक्ट टेस्ट डेट टेस्ट सेंटर विल बी प्रोवाइडेड बाय SMS वेबसाइट ईमेल फेसबुक। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी रोल नंबर या टेस्ट डेट टेस्ट सेंटर के हिसाब से, वो आपको जो आपने नंबर इस फॉर्म में दिया है उसी के बेस पे या SMS के ज़रिए इस वेबसाइट को विज़िट करके भी मालूम कर सकते हैं, या ईमेल और फेसबुक पे भी ये बताते हैं अपने पेजेस पे। लास्ट डेट है इसकी अप्लाई की वो 31 मार्च 2022। ये एड्रेस है डॉक्टर AQKeyCampus स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज, इब्राहिम कैंपस, कोरंग टाउन एक्सटेंशन नियर PWD हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद। तो आप इस एड्रेस पे ये एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं विद डिपॉजिट स्लिप। अब हम चालान देख सकते हैं। अब हम चालान को देखेंगे कि ये NBP
HBL, UBL और बैंक अल्फा डाका है, तो ये आप आपको बता देते हैं कि इधर ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, के फॉर एग्जांपल हैदराबाद की ब्रांच है तो हैदराबाद ब्रांच, इधर कोड आप बैंक वालों से मालूम कर सकते हैं कि क्या कोड है। इधर आप डेट लिखेंगे जब आपने फीस सबमिट करवाई, और जिस बैंक में आप फीस सबमिट कराएं तो वहाँ उस बैंक पे टिक मार्क लगाना होगा आपको कि किस बैंक में आपने डिपॉजिट फीस करवाई है। प्रोजेक्ट आईडी ऑलरेडी लिखा हुआ है, इधर आपका नाम आएगा, इधर फादर नेम, और फादर का CNIC आप देंगे। आपकी फीस है लिखी हुई 750, तो ये इतनी फीस होगी आपकी, इधर सिग्नेचर होगी, ये बाकी बैंक वाले खुद करेंगे, ये दोनों सिग्नेचर। ये जो हमें भेजनी है फॉर्म के साथ डिपॉजिट स्लिप, जो हम जब हम बैंक में फीस डिपॉजिट करेंगे तो ये हमें दोनों रिटर्न करेंगे, तो ये जो कॉलेज का फी है ये वाली, ये हम इस फॉर्म के साथ अटैच करके जो एड्रेस बताई गई है उस पे भेजेंगे, बाकी ये हम खुद के पास अपने पास रखेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप इनके दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इनकी वेबसाइट विज़िट करके भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। होप यू लाइक माय वीडियो, आपकी छोटी सी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा इनक्रेज करती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियोस को शेयर करें। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, अल्लाह हाफिज़।